कहते हैं कि कदीम जमाने में एक रईस की बेटी घुड़सवारी के दौरान घोड़े से नीचे गिर गई और उसकी टांग की हड्डी जोर से हिल गई। लड़की के बाप ने बहुत से हकीमों से इलाज करवाने की कोशिश की कि हड्डी को वापस अपनी जगह पर बिठाएं, मगर मसला ये था, मुसीबत ये थी कि लड़की किसी गैर मर्द को अपने जिस्म को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। बाप ने बहुत इसरार किया कि बेटी इलाज के लिए शरीयत ने भी हकीम को महरम करार दिया, लेकिन बेटी किसी तरह राजी नहीं हुई और तकलीफ की वजह से दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। आखिर लोगों ने मशवरा दिया कि शहर से बाहर एक बहुत बड़े और बड़े माहिर हकीम रहते हैं, उनसे मशवरा कर लें। लड़की का बाप हकीम साहब के पास गया, अपना मसला बयान किया तो हकीम साहब ने कहा कि एक शर्त पर मैं आपकी बेटी की टांग का इलाज बगैर हाथ लगाए कर सकता हूँ। वो शख्स कहने लगा कि जो भी शर्त हो वो कबूल करने पर राजी है। हकीम ने कहा कि शर्त यह है कि एक बहुत मोटी ताज़ी गाय मेरे लिए ला दो तो मैं आपकी बेटी का इलाज कर दूंगा। अब हकीम के मुतालबे पर वो शख्स बहुत भारी कीमत पर शहर की सबसे बड़ी सेहतमंद गाय खरीद कर हकीम साहब के घर ले आया। हकीम साहब ने कहा कि आप अपनी बेटी को 3 दिन बाद अपने साथ लेकर आएँ और उसी दिन अल्लाह के हुक्म से उसका इलाज कर दूंगा। अच्छा, जब वो शख्स चला गया तो हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा कि 3 दिन तक ना तो गाय को घास का एक तिनका खिलाया जाए और ना ही पानी का एक कतरा भी पिलाया जाए। अब शागिर्द हैरान हो गए कि इतनी सेहतमंद गाय 3 दिन में भूख और प्यास से मर जाएगी, लेकिन उस्ताद का हुक्म था इसलिए अमल तो करना था और तो कोई चारा नहीं था। अब होता क्या है, 3 दिन तक गाय भूख और प्यास की शिद्दत से कमज़ोर हो गई। अब दोपहर के वक्त वादे के मुताबिक वो शख्स अपनी बेटी को चारपाई पर डालकर हकीम साहब के पास लेकर आ गया। हकीम ने लड़की के वालिद से कहा कि अपनी बेटी को गाय की पीठ पर बिठा दो। सब बहुत हैरान हो गए, लेकिन हुक्म मानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। अच्छा जी, लड़की को जब बिठा दिया गया गाय पर, और अब हकीम साहब ने अगला हुक्म ये दिया कि लड़की के दोनों पाँव गाय के पेट के गिर्द जो है रस्सी से कस कर बांध दें। अब ये काम भी हो गया, और ये काम होने के बाद हकीम साहब ने शागिर्दों को मजीद क्या कहा कि अब गाय के सामने घास और दूसरी खुराक डाल दो। जब गाय के सामने खाना और पानी रखा गया, क्योंकि 3 दिन से ना खाना खाया था गाय ने ना पानी पिया था, तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी खाने लगी। अब हकीम साहब ने उसके सामने पानी की बड़ी सी बाल्टी में बहुत सारा नमक डालकर रख दिया और गाय तेज़ी से पानी पीने लगी। अब पानी में नमक की आप कह लें कि आमेज़िश ने प्यास की शिद्दत मज़ीद बढ़ा दी, तो गाय ने एक साथ बहुत सा पानी पी लिया। घास और पानी ने गाय का पेट फुलाना शुरू कर दिया और लड़की की टांगों पर दबाव इतना बड़ा कि वो दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। अब हकीम साहब ने लड़की को गाय से उतरवाया, उसके वालिद से कहा कि आपकी बेटी की टांग की जो हड्डी है जो जोड़ से हट गई थी वो अपनी जगह पे वापस आ गई है और लड़की को वाकई शिफा मिल गई। अब इसीलिए कहते हैं कि जहानत और महारत, एक चीज़ जहानत दूसरी चीज़ महारत, जब ये एक हो जाए तो मुश्किल से मुश्किल मसले को हल कर लेते हैं। मुल्की हालात की मैं बात करना चाहूँगी। अभी एक मर्ज इस वक्त हमारे मुल्क को भी लाहक है, और वो मर्ज क्या है, कर्ज, कर्ज का मर्ज, जिसने मईशत को बीमार बना छोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं कि मईशत किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी का मतलब समझते हैं ना, लेकिन बदकिस्मती से कह लें कि इसको साबिका हुकूमतों की पॉलिसीज़ ने ऐसी ऐसी ज़रबे लगाई हैं कि आज हाल ये है कि जो मर्ज है वो ला इलाज दिखाई दे रहा है। अब नाज़रीन, जिस तरह जंजीरें पाँव में पड़ जाने से क्या होता है, इंसान चल नहीं सकता ना, और अगर चलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, जंजीरें उसकी टांगों का तवाजुन खराब कर देंगी और क्या होगा, बेचारा गिर जाएगा। ठीक वैसे ही हमारी मईशत के पाँव में IMF की जंजीरें पड़ी हुई हैं, और ये जंजीरें हमारी मईशत को खड़ा नहीं होने दे रही हैं, और यही वजह है कि ना चाहते हुए भी मौजूदा हुकूमत को ना करते हुए भी IMF के पास जाना ही पड़ा, और अब भी मईशत को सहारा देने के लिए पाकिस्तान को IMF से एक और डील करनी पड़ी है, जिसके साइड इफेक्ट्स कह लें, साइड इफेक्ट्स अद्वियात के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इस तरह इस चीज़ का साइड इफेक्ट मिनी बजट की सूरत में सामने आने लगा। अब IMF ने पाकिस्तान के साथ डील के नतीजे में 600 अरब का मिनी बजट लाने की कड़ी शर्त रखी थी, जो अब हुकूमत मजबूरी में कह लें कि कड़वा घूंट पीते हुए पूरा करने जा रही है। अब सवाल ये है, ये सवाल उठ रहा है कि जी इससे मईशत संभलेंगी भी या फिर महंगाई में इजाफा होगा, लेकिन अब हुकूमत ने जो मुआशी हिद्दत है ना उसको कम करने के लिए मिनी बजट को कह लें कि फाइनल टच दे दी है, और इस बजट में 6 खरब रुपए की एडजस्टमेंट्स और अखराजात की कटौतियाँ शामिल हैं। बहुत से तजियाकारों का ये कहना है कि ये कदम वफाकी हुकूमत की जानिब से 5 महीने पहले
माली साल 2022 के लिए पेश किए गए तरक्याती बजट के असरात को वापस पलटाने में किरदार अदा करेगा। अब इन इकदाम को पेशगी इकदाम भी कहा जा रहा है, जो जनवरी में आए मैं बोर्ड से मंजूरी के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त जमा कराने की जो राह है या रास्ता उसको हमवार कर सकता है और बोर्ड की मंजूरी से मुल्क के लिए $1 अरब जारी हो सकेंगे। अब एक तरफ हुकूमत ही समझती है कि IMF से मिलने वाली इमदाद मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद फराहम करेगी और ये कर्ज हासिल करने के लिए हुकूमत को मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे और महंगाई से अवामी हलकों में बेचैनी की लहर भी दौड़ चुकी है और अवाम हुकूमत से पूछ रहे हैं कि अब घबराने का वक्त आ गया है या अब भी नहीं घबराना। लेकिन मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब अब भी अवाम को यही कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, तसलियाँ दे रहे हैं, हौसले दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मुश्किल वक्त है लेकिन गुजर जाएगा। और वैसे भी हर मुश्किल के साथ आसानी तो होती है लेकिन अभी तक अवाम को कोई आसानी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन शौकत तरीन साहब उनको आने वाला वक्त आसान नज़र आ रहा है। अच्छी बात है कि पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा हो रहा है और हमारी मईशत मजबूत हो रही है लेकिन आलमी सतह पर कीमतों में कमी के साथ ही निचली सतह पर बेहतरी आएगी। जो चीज़ें महंगी हो गई हैं वो सारी दरामदी अशियाँ हैं, इन अशिया ने महंगाई और इम्पोर्ट बिल को भी मुतासर किया है। अच्छा, शौकत तरीन साहब ने आलमी मार्केट में महंगाई में कमी का हवाला देते हुए कहा है कि जी कोयले की जो कीमत है वो $240 थी, अब वो $110 पर आ गई है। पेट्रोल 87 पर था, 87 पर, अब ये $68 यानी $68 पर आ गया और उम्मीदें की जा रही है कि जी LNG का जोर भी टूटेगा। और अवाम को वो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, ना घबराने का मशवरा दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी ये अल्फाज तो हम हर वक्त इस्तेमाल करते हैं कि घबराने की बात नहीं है, इसलिए जो रेवेन्यू है वो ठीक तरह बढ़ रही है। बिजली के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है और जो फसलें हैं वो 88 मिलियन टन हो गई हैं। अब हमें ये देखना है कि सारी जो चीज़ें हैं आया कि ये सही डायरेक्शन में, सही समत में जा रही हैं। अवाम को कहना चाहता हूँ कि हमारी मईशत ठीक जा रही है, हमें बिल्कुल एहसास है कि हमारा निचला तबका, मुतवसत तबका मुश्किल में है लेकिन उनको दबाव से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। अब नज़र जाहिर सी बात है ना कि मिनी बजट में पर ये जो अपोजिशन है वो एक बार फिर से हुकूमत पर सख्त तरीन तनकीद कर रही है और अवाम में एक्चुअली एक तासुर उभार रही है कि जो मिनी बजट है ये मज़ीद तबाहियाँ लेकर आएगा। अब इसीलिए शौकत तरीन साहब ने अवाम के सामने ये सारे जो हकायक हैं वो रखे बताए ताकि अवाम को असल जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, उसका अंदाज़ा हो सके और अवाम फिर खुद डिसाइड करे कि सिचुएशन है क्या। और शौकत तरीन साहब ने जहाँ मईशत के मुतालिक ये जो तल्ख हकायक हम इसको कहेंगे ना, तल्ख हकायक से आगाह किया, वहीं पर इन्होंने कुछ अच्छी खबरें भी सुनाई हैं और अच्छी खबर यकीनी तौर पर अहमियत की हामिल होती है। जैसा कि शौकत तरीन साहब ने यह बताया है कि जी जो रेवेन्यू इसमें 36% 36% इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब रेवेन्यू, अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि जब रेवेन्यू बढ़ा और इतना बढ़ा और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी, रेवेन्यू भी बढ़ा एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी, तो इस हिसाब से मईशत पर तो बड़ी पॉजिटिव असरात पड़ने चाहिए थे, मस्बत असरात पड़ने चाहिए थे, ऐसा ही है ना? ये बात ठीक है, आलमी दुनिया में भी महंगाई हुई है, ये भी है, लेकिन किसी हद तक तो आम आवाम को रिलीफ मिल जाना चाहिए था ना, अगर इतनी अच्छी खबरें आप सुना रहे हैं। लेकिन रिलीफ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं ना उसके मुकाबले में, एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में इम्पोर्ट्स ज़्यादा बढ़ गई हैं और इस हवाले से जो इदारा शुमारियात है उसने तजारती अदाद व शुमार जारी किए हैं जिसके मुताबिक जुलाई से नवम्बर तक तजारती खसारा $20 अरब 59 करोड़ तक पहुँच गया है। इदारा शुमारियत के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के इसी अरसे के मुकाबले में तजारती खसारा 111.74% बढ़ा है और जुलाई से नवंबर तक की अगर बात करें तो बरामदात $12 अरब 34 करोड़ रही हैं। और इदारा शुमारियत का यह भी बताना है कि इसी दौरान जो दरामदात है उसका हुजम $32 अरब 93 करोड़ रहा है। अब नाज़रीन ये थे फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है कि रेवेन्यू और एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बावजूद